दोस्तों, आप में से कितने लोग बाइबल के इस वचन के बारे में जानते हैं जो कि प्रेरितों के काम 13:47 में है, जिसमें लिखा है कि क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की सोर तक उद्धार का द्वार हो। दोस्तों, यह वचन हर उस मसीह के लिए परमेश्वर की एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है और जिसने अपने तन और मन से उस पर विश्वास किया है कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और अब यहाँ इस वचन में परमेश्वर ने हम सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए एक आज्ञा दी है जिसको मानना हर विश्वासी के लिए जरूरी है। और ये आज्ञा है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, यानी परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए, जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उन सभी के लिए हमें ज्योति ठहराया है। और आगे लिखा है कि ताकि तू पृथ्वी की सोर तक उद्धार का द्वार हो। जहाँ परमेश्वर ने हम सबसे कहा है कि हमें दूसरों के उद्धार का कारण बनना है, और वो हम कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें अन्य जातियों तक सुसमाचार यानी परमेश्वर के वचन को पहुंचाना होगा। और वो हम तभी पहुंचा सकते हैं जब हम अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तो अगर आप भी एक सच्चे मसीही हैं तो खुद की साल्वेशन के साथ साथ अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले और अपने पूरे इलाके के लोगों की साल्वेशन की ओर भी ध्यान दें और उन्हें सुसमाचार जरूर सुनाएं। आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। इस वीडियो क्लिप में एक मसीह बाइक के द्वारा DTC बस में परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया जा रहा है, तो आप भी देखें इस वीडियो को। आपका नाम है कौन है? यह यीशु, प्रभु यीशु मसीह हमारे मंदिर आ। ये किताब एक धार्मिक किताब है, बाइबल में से ये किताब ली है सर, और इस किताब में यीशु मसीह की जीवनी है, उनका जीवन चरित्र है रंगीन चित्रों के साथ, बाइबल में से ली है सर। भाइयों बहनों देखिए, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को भोजन कराया। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, ये जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूख और प्यास नहीं होगा। आपके पापों के लिए यीशु मसीह इस संसार में आपसे 2000 साल पहले आया और मैं आपके पापों के लिए मैं क्रूस पर मारा गया और मैं तीसरे दिन मैं फिर से जीवित हो गया। आज तो यीशु मसीह जिंदा है और आपको वो बहुत आशीष देना चाहता है, और यीशु मसीह आपका न्याय करने के लिए वो जल्द आ रहा है। हम ये किताब परमेश्वर की सेवा के लिए आपको देना चाहते हैं।